ठीक है चलो अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन से ही देखेंगे, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना। ये किसकी बात की जा रही है, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। मतलब इस पूरे फंक्शन का इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये तुमको बताना है, ठीक है। तो इसका क्या स्टेप्स है, कैसे निकाला जाता है, वो सीख लो, ठीक है। सबसे पहले तुमको क्या करना है, इस फंक्शन को देखना है कि क्या ये फंक्शन कहीं डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। और इवन ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी नहीं, मतलब यदि कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ जाए या नॉन डिफरेंशिएबल आ जाए, तो वैसे पॉइंट को हम अलग लिख लें, ठीक है। बट क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कहीं पर भी कुछ भी नहीं होगा, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा और इवन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाला पॉइंट निकालना, ठीक है। सबसे पहले मुझे इसका क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाला पॉइंट निकालना निकालना। प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, हाँ लेफ्ट एस एक्स क्या जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और फिर एफ एस एक्स को जीरो कर दो, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स, थ्री कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर प्लस माइनस, ठीक है। मुझे ये नहीं देखना कि ये मिनिमा का पॉइंट है या मैक्सिमम का, बस मुझे ये पॉइंट निकालना है कि जिस पे ये डैश जीरो हो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी पॉइंट आया यहां से, क्या क्या पॉइंट आया, एक तो वन आया और एक माइनस वन आया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट, प्लस जो भी इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। यदि ऑल एक्स के लिए दिया था तो एंड पॉइंट माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी होता तो वो नहीं लेते हैं, ठीक है, वो तो कोई होता ही नहीं है ना, तो ऐसा कोई पॉइंट। तो हम यदि एंड पॉइंट्स गिवन है डोमेन का, तो उस पॉइंट पे और इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू निकल, समझ में आ रहा है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करो, उसको इक्वल टू जीरो करके मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट निकालो। ये नहीं तुमको देखना कि वो मैक्सिमम का पॉइंट है या मिनिमम का पॉइंट, वो तो अलग जब पूछा जाएगा तब वो देखेंगे, ठीक है। अभी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके लिए तुमको ये पॉइंट निकालना जरूरी है, प्लस यदि कोई एंड पॉइंट्स है डोमेन का तो वो उस पर भी वैल्यू देखनी जरूरी है, ठीक है। तो यदि मैं चारों पॉइंट में, एक तो वन है, एक माइनस वन है, एक माइनस टू है और एक फाइव, ये चार पॉइंट्स है, चारों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल, ठीक है। मतलब एफ ऑफ माइनस वन निकालो, एफ ऑफ वन निकालो, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये जो एंड पॉइंट्स है, माइनस टू पे वैल्यू निकालो और चौथा फाइव पे वैल्यू निकालो, ये चारों वैल्यू कितनी कितनी आ गई।
ये आ गया, माइनस वन पे वैल्यू निकालोगे तो टू आएगी, वन पे निकालोगे तो माइनस टू आएगी, माइनस टू पे निकालोगे तो भी माइनस टू आ रहा, फाइव पे निकालोगे तो 110 आ रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू सबको दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, तो ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गई बात? इस पॉइंट पे मिला है x बराबर 5, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में कहां पे आ रही है? 5 पे, और वो है कितनी? 110। समझ में आई बात? तो ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू x बराबर 5। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पे है, जो कि तुमको दिख रहा है माइनस, इस चारों में सबसे छोटा कौन है? माइनस से छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन का ये है, और वो किस पॉइंट पे मिल रहा है? वो वन पे भी मिल रहा है एंड माइनस टू पे भी मिल रहा है। समझ में आई बात? मतलब मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस, सॉरी एक्स इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? वन पे और माइनस टू पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है? 5 पे। मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? 110। मिनिमम वैल्यू है कितनी? माइनस टू। समझ में आई बात? तो हमें क्या क्या चीज देखना है, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसके लिए तुमको मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट निकालना है, प्लस यदि डोमेन का एंड पॉइंट है तो वो निकालो, या कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो वो निकालो, या कोई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है तो वो निकालो। उन सब पे वैल्यू देखो, जहां पे सबसे छोटी वैल्यू मिल रही होगी वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, जहां पे सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू, इतना काम करना है जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? लिख लो इसको। इसी क्वेश्चन में हो गया ना सबका? यदि इसी क्वेश्चन में मैं इस इंटरवल को क्लोज न करके ओपन कर, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं इंटरवल को क्लोज न करके ओपन कर, तब इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू 5 पे आ रही है ना, ठीक है, तो क्या मेरे इंटरवल में 5 है? नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। थोड़ा सा और देखते हैं इसका डेप्थ। चलो अब मैं डैश कहां कहां पे जीरो हुआ है? माइनस वन और वन पे, है ना। अब देखो बहुत लोगों को ये बात नहीं समझ रहा होगी कि 5 पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पे है ना, बट ऐसा नहीं होगा, इसकी वैल्यू 2 से भी बड़ी होगी, ठीक है। यदि तुम इस फंक्शन में x की जगह 4 रखो तो देखो कितना है, 464 माइनस 4 से जब 12, ये 2 से बड़ी आ रही है या नहीं आ रही, मैक्सिमम वैल्यू तो ये होनी चाहिए, है ना। यदि और आगे देखो, मैं तो ये 4 रखा ना, 4.9 तो इस इंटरवल में है, वहां पे देखोगे तो और बड़ी वैल्यू है, 4.9 के बाद 4.99 भी है, तो एग्जैक्टली मैं बता ही नहीं सकता कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, तो ऐसा क्यों जरूर कर रहा, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ देखो। यदि 1 के आगे देखोगे तो ये पॉजिटिव है, मतलब mdx पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब इसका क्या मतलब है कि माइनस वन से पहले फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है ना। इस इंटरवल फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जैसे जैसे मैं x इंक्रीज कर दू वैल्यू इंक्रीज करेगी, आया ना, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे x इंक्रीज करोगे वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम तो
यहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस वन पे आएगी, है ना। कोई बच्चा कहेगा सर यही मैक्सिमम वैल्यू बोलते, तो मैक्सिमम वैल्यू इससे भी बड़ी वैल्यू हो सकता है यहाँ पे मिलती है, ठीक है। वो तुम देख सकते हो यदि टू भी लोगे, एट और सिक्स, एट माइनस सिक्स टू पे भी वैल्यू, यदि ये पॉइंट टू ले दे तो टू पे भी वैल्यू इसके बराबर आ रही है ना। थ्री पे देखो और वैल्यू करी है, फोर पे देखो और वैल्यू करी है, ठीक है। फाइव है नहीं इस इंटरवल में, बट फाइव पे देखेंगे तो और वैल्यू करी आएगी, मतलब फाइव के जस्ट पहले देखेंगे। फाइव पे वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, फाइव पे वैल्यू यहाँ आ रही है ना 110, फाइव के जस्ट पहले ये वाला पॉइंट तो है, बट वो वाली वैल्यू हम बता सकते हैं क्या होगी, नहीं पता। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यदि ये इंटरवल दे तो डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। और यदि मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो मिनिमम वैल्यू दिख रहा है कि वो माइनस टू आ रहा है, ठीक है। बट वो किस पॉइंट पे कहेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है, वन पे, माइनस टू नहीं कहेंगे, वन पे कहेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम, समझ में आ रही है बात, क्लियर है सबको। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी भी तरीके का तो पूछ सकते हो। यदि एंड पॉइंट्स पे दिया जाएगा तो एंड पॉइंट्स पे तुम वैल्यू निकाल लो देखने पेपर पर से, ठीक है। बट क्योंकि ये पॉइंट के डोमेन में है तो ये वाला आंसर तुम दे नहीं सकते, है ना। इवन ये वाला भी पॉइंट डोमेन में नहीं है इसलिए मैं आंसर नहीं दे सकता। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ से सब कुछ, ठीक है। लिख लो, लिख लियो होगे, है ना, मिटा दे, कोई दिक्कत किसी को। और क्वेश्चन करो, x इंटू e की पावर x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, और इंटरवल कुछ भी नहीं दिया। यदि इंटरवल कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब क्या है, इसका इंटरवल कुछ भी नहीं दिया है ना, मतलब x कुछ भी ले सकते, मतलब ऑल रियल नंबर के लिए पूछा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, दो फंक्शन है ना, एक एक्स है और एक ई की पावर एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, ठीक है। मतलब एक को डिफरेंशिएट करो तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वन को नहीं लिखना है, दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिख दो, प्लस दूसरे फंक्शन पहले फंक्शन को एज इट इज लिख दो, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। हाँ ये f'x आ गया, अब f'x इक्वल टू जीरो कर दो तो e की पावर x कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आएगा 1 प्लस x इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब e की पावर x क्या कभी जीरो हो सकता है, नहीं, ये जीरो होगा, ये जीरो होने का मतलब आ गया क्या, x बराबर, ठीक है।
लिमिट आता है लिमिट तुमको तो नहीं आता, तुमको 11th वाले को आता है लिमिट, 12th वाले को तो आना चाहिए, तुम 12th हो ना लिमिट वाले हो, थोड़ा थोड़ा ठीक है, बहुत ना लिमिट नहीं आता ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। अब मेरे को क्या करना है, एक तो x बराबर माइनस वन पॉइंट आ गया है ना, और जो एंड पॉइंट है इसका एंड पॉइंट क्या है, इसका डोमेन क्या है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी है ना, तो मुझे इस फंक्शन की यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी ठीक है, मतलब x बराबर माइनस इनफिनिटी पे मुझे लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी और x इंटू t की पावर x ठीक है। अब जिसको लिमिट निकालने नहीं आता है ना, अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा लिमिट मैं तो नहीं जाऊंगा नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, बताओ भाई तुम लोग बताओ इसकी लिमिट करो, एल एच दो एल एच रूल से, एल एच रूल से, एल एच रूल से इसका लिमिट निकाल सकते हैं। अच्छा सबसे पहले ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, तो जीरो इंटू इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सा होता है, जीरो बाय जीरो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है ना, अब लिमिट नहीं पड़े तो तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा ठीक है, तो मैं चलो ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसका मुझे लिमिट निकालना पड़ेगा ठीक है, कैसे निकलेगा, माइनस इंफिनिटी रखें तो माइनस इंफिनिटी और e की पावर माइनस इंफिनिटी वन पॉइंट की पावर इंफिनिटी जीरो जीरो सही, ये जीरो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसका लिमिट निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हो, तो लगाना पड़ेगा, कैसे लगेगा, डायरेक्ट नहीं लगेगा कैसे, देखो सबसे पहले इसको तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा x अपॉन टी अपॉन माइनस x, ये लिख सकते हैं, अब एलएच रूल लगाओ, x का डिफरेंशिएशन और टी अपॉन माइनस x का डिफरेंशिएशन ठीक है, कोई दिक्कत, अब रखो x को माइनस इनफिनिटी तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर प्लस इनफिनिटी और ये बहुत बड़ा नंबर, बड़ा कौन बहुत बड़ा नंबर टेंडिंग टू जीरो, इसका लिमिट देता है समझ में आएगा, समझ आया, जिसको लिमिट आता होगा उसको थोड़ा होता, तुम लोगों को नहीं समझ आया ठीक है, मान आया समझ में, हाँ एल एच रूल जानते हो, उसमें ये वाला पढ़ाया गया, देखो सबसे पहले ये जीरो इंटू इन्फिनिटी था है ना, इसको हम जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिए, ध्यान से देखो तो ये कौन सा फॉर्म है, माइनस इन्फिनिटी और इसको लिख सकते हो तुम वन अपॉन e की पावर x और ये हो गया इन्फिनिटी, मतलब ये जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है बेसिकली, यदि x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी और e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, इसलिए ये जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म, उसको हम ऐसे लिख दिए ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करिए, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, तो ऊपर x का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन 0 ठीक है, अब x को माइनस इन्फिनिटी रख दो तो ये आ जाएगा e की पावर प्लस इन्फिनिटी और 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर इज ऑलवेज टेंडिंग टू 0, इसलिए इसका लिमिट आएगा 0, समझ में आई बात, अब जैसे हम x बराबर माइनस इन्फिनिटी पे निकाले हैं x बराबर प्लस इन्फिनिटी पे भी निकालेंगे, तो वो देख सकते हो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिमिट नहीं निकाल सकते ठीक है,
ये दो पार्ट उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे ही लिखे, जब लिमिट करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है, अरे क्लियर है। और x बराबर माइनस वन पे वैल्यू कितनी आएगी ध्यान रख, तो माइनस वन और e की पावर माइनस वन ये आ जाएगा माइनस वन बाई e, कोई दिक्कत, अरे क्लियर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटा क्या है, क्या जीरो और ये इन दोनों में छोटा कौन है, माइनस वन बाई है ना, अरे कोई दिक्कत। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट है ना, मैक्सिमम वैल्यू कहीं आ रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे माइनस वन के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, जैसे जैसे x इंक्रीज करोगे वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, और ऐसे भी देख सकते हो x इंफिनिटी कर गया तो ये इंफिनिटी इंफिनिटी ये इंफिनिटी आ गया, मतलब बहुत बड़ा नंबर, ऑब्वियसली बात है एग्जिस्ट नहीं करता, समझ आ रही बात, मतलब माइनस वन के आगे जो भी वैल्यू रखोगे जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ते जाएगी, समझ में आ पा रहा है कुछ या नहीं, मतलब थोड़ा सा लिमिट आ गया तो वैसे ही फंस गए हो, मैक्स मिनिमम वैल्यू तो इस पॉइंट पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक इतना ही लिख दो। तो आसान है तुम्हारे लायक क्वेश्चन लेते हैं, अभी लिमिट वगैरह पढ़े नहीं मत कर, क्लियर है यहाँ तक, अरे हो गया मिटा दे, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, बट पहला केस है एक्स बिलोंग्स टू आर, दूसरा केस है दो केस, एक तो जब x और भी अगर पहले तब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और जब x 0 से 4 के बीच में तब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस टू मिनिमम है मैक्सिमम और मिनिमम देखना पड़ता है, दूसरे केस
इस क्वेश्चन को तुम छुट्टियों में कर देना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू बन रहा है 4, मान कितना माइनस पहले किसका दोनों का अलग अलग बात। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आया बोलो, एक्स की वैल्यू क्या रखे हो तुम, दोनों का अलग अलग कैसे आ रहा है, दोनों सही पॉइंट रखे हो तभी दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। एक्स बराबर 5/2 पे वैल्यू कितनी आ रही, तीन लोग तीन एक्स और कोई चौथा एक्स है और 5/2 के पहले देखोगे तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग इधर इंक्रीजिंग होगा और इधर डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम वैल्यू तुमको यहीं पे मिल रही है ठीक है, और मिनिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट ठीक है। मिनिमम वैल्यू जो है अब ऐसे भी देखो अथवा तो देखो सुनो सब लोग इधर देखो, अरे हो गया इधर देखो, जब तुम चार्ट बनाए और उसमें कुछ ऐसा आ गया है ना, यहाँ तक वो दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू और बाकी केस में तो फिर नीचे ही जा रहा है ना, अब कहाँ तक नीचे जा रहा है क्या पता है, पर यदि मैं यहाँ पे ब्लॉक कर 0 से 4 मतलब अब तुमको पता है कि तुमको यहीं तक जाना है ना, तब तुम बता सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं पे मिल रही होगी है ना, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही होगी, या तो यहाँ पे या तो यहाँ, समझ में आने के बाद। तो पहला केस ऐसा था और दूसरा केस ऐसा है ना, अरे समझ पा रहे हो, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी जो कि सबने निकाला है, मुझे लगता है 1/4 आ रहा है, तो 5/2 पे यहाँ पे रख दो 5/2, तो ये हो जाएगा -25/4 + 25/2 - 6, तो 6 + 24 = 20 - 49 - 15 - 1/4 ठीक है। ये तो पहले केस का आंसर है, क्या मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू तो डज नॉट एग्जिस्ट और मैक्सिमम वैल्यू 1/4, समझ में आ गई बात। यदि मैं पूछूं कि फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होता है मिनिमम से मैक्सिमम, तो मिनिमम क्या है डज नॉट एग्जिस्ट मतलब माइनस इनफिनिटी, और मैक्सिमम क्या है, समझ में आई बात, आया ना। दूसरे केस में क्या है 0 से 4 के बीच, मतलब यहां से यहां तक भी देखना है इतनी दूर ठीक है, तो यहां पे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल ही रही है ना, और इन दोनों पॉइंट्स पे भी अब वैल्यू नहीं पा, जब एक्स बराबर 0 है तो वाई कितना है, रख दो यहां पे 0 0 - 6, और जब एक्स बराबर 4 है तब वाई कितना है -16 + 5 = 20 - 6 -2 आ रहा है ठीक है, और जब x -1 रखे थे -5/2 रखे थे तब वैल्यू आया था 1/4 ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी यही होगी है ना, और मिनिमम वैल्यू क्या है -6 किस पॉइंट पे 0 पे, समझ में आ गई बात, अरे समझ में आया कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है मैंने, समझ में आ रहा है कि टॉपिक टफ जा रहा है, ग्राफ बनाना सीखना चाहते हो किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना, बट वो जेई मेंस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ
क्या बोल रहे हो? बी वाले का मैक्सिमम वैल्यू माइनस टू आएगा। क्यों माइनस टू आएगा? इन तीनों में मैक्सिमम कौन दिख रहा है? माइनस सिक्स, माइनस टू और वन बाय फोर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? वन बाय फोर है, तो मैक्सिमम माइनस टू कैसे आएगा? तो इंटरवल जीरो से फोर में ना, तो जीरो से फोर में फाइव बाई टू लाइक करता है, जीरो से फोर में फाइव बाई टू लाइक करता है, नहीं करता? चलो इसी बात, इसी क्वेश्चन पे एक और खेल सी सी दे दे रहा हूं मैं। एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू टू। अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब मैं इंटरवल जीरो से टू कर दिया?